चलिए अब हम बात करेंगे प्रियदर्शी सम्राट अशोक के विषय में, जिसने अपने पिता बिंदुसार के बाद मौर्य वंश का अगला शासक बनता है। इसकी क्या उपलब्धियां हैं, इस पर सारी बातें हम बात करेंगे। तो कवि क्वेश्चन पूछ दिया कि अशोक मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन करें, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल अचीवमेंट ऑफ द अशोका द ग्रेट। ठीक है, अब भूमिका तो वही पुरानी है, कई बार मैंने रिपीट कर रखा है, तो भी फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। अशोक भारतीय इतिहास में एक महानतम शासक के रूप में जाना जाता है, जो कि एक मौर्यवंशी शासक था। इस मौर्यवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में किया था, जिसने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मगध पर अपनी सत्ता को स्थापित किया। और चंद्रगुप्त मौर्य के और उसके कई अन्य शासकों ने, जैसे बिंदुसार, अशोक, दशरथ, संप्रति और बृहद्रथ ने करीब 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व के मध्य 137 वर्ष तक शासन करते हुए हम इन्हें पाते हैं। और तो इस तरह से देखा जाए तो ये सभी शासकों ने मिलकर के 322 से 185 के बीच में लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। मौर्यवंशी शासक विविध धर्मों को मानने वाले थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य संप्रति जैन धर्मावलंबी था, बिंदुसार दशरथ आजीवक संप्रदाय को, और अशोक बौद्ध धर्म को, और कुछ शासक जैसे जालौक, और प्रारंभिक समय में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक भी कभी शैव था। तो ऐसा लगता है कि ये क्या था, यह राजवंश धर्म सहिष्णु वंश के रूप में दिखाई देता है। अगर हम जैन और बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो इन्हें शाक्य कुल में उत्पन्न क्षत्रिय जाति का माना गया, और इनका जो टाइटल था वो क्या था, मौर्य था। और यदि बात करें विष्णु पुराण की, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस की, कथा सरित सागर की, तो उसमें इनको निम्न कुलोत्पन्न यानी शूद्र माना गया है, ब्रिसल कहा गया है। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जो बाद में कालांतर में पश्चिमेशों के द्वारा मार दिया जाता है और मौर्य वंश का यहीं पर अंत हो जाता है। इस मौर्य वंश का राज प्रतीक मयूर था, और इसकी भाषा राजकीय भाषा प्राकृत थी, और इसकी लिपि मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि थी। इसके अतिरिक्त हमको खरुष्ठी, आर्मेइक और ग्रीक में भी अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। यदि बात करें अशोक मौर्य के विषय में तो अशोक क्रम के अनुसार तीसरा शासक था। इससे पूर्व इसके पिता बिंदुसार मगध की राजसत्ता के स्वामी थे, या इससे पूर्व इसके पिता बिंदुसार मगध के शासक थे। अशोक ने करीब 273 ईसा पूर्व के आसपास अपने भाई सुसीम को पराजित करके मगध की सत्ता को प्राप्त किया, और 269 के आसपास उसने विधिवत अपना राज्याभिषेक कराया, यानी पूरी तरीके से राज्याभिषेक कराने में 4 वर्ष लग गए। तो इस प्रकार से देखें तो 273 से अगर माने तो 273 से 232 के बीच में 41 वर्ष तक, और 269 से अगर माने तो उसने करीब 37 ईयर्स तक यानी 37 वर्ष तक मगध पर शासन किया। इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र अर्थात पुष्पपुर थी, इसको कुसुमपुर भी कहते हैं। इसके पिता के रूप में बिंदुसार और माँ के रूप में धम्मा या शुभदांगी देवी का उल्लेख मिलता है, बौद्ध धर्म में उनको धर्मा कहते हैं। इसकी पत्नी के रूप में देवी कारुवाकी, पद्मावती, तिश्रचिता इत्यादि का उल्लेख मिलता है, जिससे इसके कई अन्य संतान पैदा होते हैं, जिनका नाम महेंद्र, तीवर, कुड़ाल, जालौक, संप्रति, दशरथ, संगमित्रा, चारुमति इत्यादि का उल्लेख मिलता है। अशोक के अन्य प्रमुख नामों में अगर देखा जाए तो शिवचंडा अशोक, पुराणों में से अशोक वर्धन,
धर्मराज का और रुद्रावण की जूनागढ़ अभिलेख में से को चंद्रगुप्त मौर्य, एक में धर्मराज का चक्रवर्ती, एक में सम्राट राज्य श्रेष्ठ मगधराज भूपति मौर्य राजा अशोक धर्माशोक अशोकवा धन ठीक है ना अशोक वर्धन प्रजापिता धर्मनायक इत्यादि कई नामों से इसे संबोधित किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से इसने राजा और देवा नाम प्रिय प्रदर्शी यानी देवताओं का प्रिय प्रदर्शी की उपाधि को धारण किया था। ये प्रारंभ में शैव धर्मावलंबी था लेकिन बाद में बौद्ध धर्मावलंबी हो गया। कहते हैं कि इसकी दीक्षा जो है उपगुप्त ने दिलाई थी और कालांतर में मोकलीपुत्र तिष्य के द्वारा क्या किया बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था। अगर बात करें तो अशोक के ने विशेष रूप से बड़े पैमाने पर शिलालेखों का अंकन करवाया जिसकी लिपि ब्राह्मी खरुष्टी आर्मेनिक और ग्रीक लिपि के रूप में दिखाई देती है लेकिन मुख्यतः इसके सर्वाधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होते हैं और राजभाषा प्राकृत भाषा थी ठीक है ना। कुछ लोग अर्ध मागधी प्राकृत कहते हैं या फिर हम तो कहेंगे तो प्राकृत भाषा थी या मागधी प्राकृत कहते तो ज़्यादा सही है ठीक है। यह अशोक जो था वो अपने धम्म नीति के लिए कलिंग युद्ध के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यानी पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजन सांची के स्तूप सारनाथ के स्तूप ठीक है ना स्तंभों के निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध था ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके सोर्सेज की बात करें तो प्रमुख सोर्सेज में तो ब्राह्मण बौद्ध जैन और लौकिक साहित्य आते हैं जिनमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस सोमदेव का कथा सरित्सागर क्षेमेंद्र का बृहद कथा मंजरी और ब्राह्मण ग्रंथों में वायुपुराण कलयुग राजवृत्तांत इसके अतिरिक्त आपका विष्णु पुराण इत्यादि प्रमुख हैं। और यदि हम बात करें बौद्ध ग्रंथों में तो महावंश दीपवंश ठीक है महाबोधिवंश दिव्यावदान अशोकावदान ये जो हैं ये अशोक के बारे में जानकारी देते हैं। और जैन ग्रंथों में देखा जाए तो भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद के परिशिष्ट प्रवण से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की कुछ घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त कल्हण की राजतरंगिणी भी एक प्रमुख ग्रंथ है जो उसके श्रीनगर अर्थात कश्मीर विजय की सूचना प्रदान करता है। यदि बात करें फॉरेन अकाउंट्स की तो सिकंदर के बाद के लेखों में मेगस्थनीज जो है मौर्य प्रशासन की सूचना देता है जो कि अशोक काल में भी वैसे ही प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त स्ट्रैबो डियोडोरस प्लूटार्क और जस्टिन के लेखों में भी अशोक के विवरण प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त लामा तारानाथ के तंग्यूर कंग्यूर जो कि तिब्बती विद्वान थे वेनसांग के सीयुकी फायान के फोक युकी से भी इसके शिल्पकला और इसके मतलब वास्तुकला के जो उसने यात्रा में अपना उल्लेख किया है ठीक है। तो स्तंभ देखे थे वेनसांग और फायान ने ठीक है। और यदि बात करें अभिलेखों की तो अशोक के काल के विषय में डीसी सरकार कहते हैं नहीं सौगौरा महास्थान जो था वो अशोककालीन अभिलेख है ठीक है। और इसके अलावा अशोक ने लगभग 150 से अधिक अभिलेख जारी किए जो कि अलग अलग लिपियों में ब्राह्मी खरुष्टी ठीक है ना आर्मेनिक और ग्रीक भी प्राप्त होते हैं जैसे सारे कुना जो है ग्रीक और आर्मेनिक दोनों में मिलता है द्विभाषिक अभिलेख है वो या द्विलिपि लेख है। इसके अतिरिक्त इसके अभिलेख जो है शाहबाजगढ़ी मानसेहरा में खरुष्टी लिपि में लिखवाए गए थे और सारनाथ सांची का और ये बाकी शिलालेख जो हैं शिलालेख स्तंभ लेख तो शिलालेख भी दो प्रकार के हैं मुख्य शिलालेख और लघु स्तंभ लेख। मुख्य शिलालेखों की संख्या अब 10 प्राप्त हो चुका है ठीक है। लघु शिलालेखों की संख्या थोड़ी अधिक प्राप्त होती है जिसमें मास्की उदयगोलम नित्तूर ठीक है गुर्जरा ये चार जगहों से अशोक का नाम लिखा मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से अशोक मौर्य का उल्लेख मिलता है ठीक है। इसके अतिरिक्त कड़गन हल्ली से अशोक का चित्र और साथ में उस पर रयो अशोकस्य या लाजा या रायो अशोक का उल्लेख मिलता है। तो कड़गन हल्ली जो कि कर्नाटक से मिलता है
इसके अतिरिक्त एक शिलाफलक लेख है भाब्रू बैराट अभिलेख। गुहा लेखों में देखा जाए तो विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपड़, ठीक है ना, सुदामा गुफा से उसके लेख मिलते हैं। और स्तंभ लेखों की बात करें तो उसके करीब 6 स्तंभ लेख मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। और साथ ही साथ उसने कई स्तंभ भी, चाहे लौरिया नंदनगढ़ हो, चाहे संकिसा का हाथी वाला गज शीर्षक स्तंभ हो, चाहे दलही टोपरा हो, या फिर रुमनदेही का अश्व शीर्षक वाला जो है, तो इस तरह से रामपुरवा का वृषभ शीर्षक और सिंह शीर्षक कई स्तंभों का निर्माण कराया था, चाहे सारनाथ हो, सांची हो, कौशाम्बी हो। और इस काल में जो यक्षिणियों की मूर्तियां बनी हैं ये, और सांची स्तूप, आपके जो है सारनाथ का स्तूप है, ये आपके जो है बोधगया का स्तूप, इसका निर्माण इसने करवाया था। तो करीब 84,000 स्तूपों के निर्माण का इसे श्रेय दिया जाता है। तो सारे फैक्ट में बता दिया, चाहे वन लाइनर, चाहे जैसे भी एग्जाम में पूछे, आप लोग इसको रट लीजिएगा, और चाहिए तो आप लोग संक्षिप्त करके इसको लिख दीजिएगा, चाहे जैसे लिख दीजिए, ठीक, क्योंकि मैटर इसका बड़ा है, ठीक है। अब अशोक महान की राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें, द पॉलिटिकल अचीवमेंट ऑफ द अशोका द ग्रेट, तो प्रशासक के रूप में प्रारंभिक जीवन। देखिए, प्रारंभ में अशोक अवंती के उपशासक यानी प्रांतीय शासक के रूप में शासन कर रहा था, जिसकी राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। कहते हैं कि उस समय तसीला का विद्रोह हुआ था जब ये शासक था, तो उसके पिता ने तसीला के विद्रोह का दमन करने के लिए इसे भेजा, और जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हम युवराज के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उन दुष्ट अमात्यों के खिलाफ हैं जो हम पर नाना प्रकार के अत्याचार करते हैं। तो बिना किसी रक्त बहाए उसने उन, मतलब उस विद्रोह का दमन कर दिया। अब कुछ समय के बाद जब वो अवंती लौटता है तो सुसीम को उससे खतरा महसूस होता है, और सुसीम ने उसे राजगद्दी से हटवा दिया। ऐसी दशा में वो कलिंग में जाकर निर्वासन काल व्यतीत करता है, और वहाँ की एक राजकुमारी कारवाकी से प्रेम करने लगता है। कहते हैं कुछ समय बाद अवंती में विद्रोह होता है, जिसे खत्म करने में सुसीम असफल होता है। अब चूंकि उसके पिता बिंदुसार ने अशोक तक यह संदेशा भिजवाया कि किसी तरह से विद्रोह को शांत किया जाए, और अशोक ने अपने मृत्यु के भय से कलिंग में रहते हुए गुप्त तरीके से अवंती के विद्रोह को शांत करवा दिया। साथ ही साथ कुछ समय के बाद वह पुनः अवंती के उपशासक के रूप में या प्रांतीय शासक के रूप में बैठाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसे खस विद्रोह यानी नेपाल में एक खस जाति थी, उसके विद्रोह को भी दबाने वाला कहा जाता है कि वहाँ के राजा ने उससे मदद मांगी थी, जिसको उसने क्या किया था, समाप्त कर दिया था। इस प्रकार से प्रारंभिक जीवन इसका कैसा था, अवंती के प्रशासक के रूप में, और तहसीला अवंती और खस विद्रोह के शांत करने वाले या विद्रोह को समाप्त करने वाले नायक के रूप में दिखाई देता है। राज्यारोहण और राज्याभिषेक। सिंगली ग्रंथ कहते हैं कि अशोक ने अपने भाई सुसीम की हत्या करके, विकताशोक की हत्या करके, यानी करीब अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था, ठीक है ना। और उसने सिंहासन पर 273 ईसा पूर्व के आसपास सिंहासन को प्राप्त किया था। जो भी हो, अशोक के 5वें शिलालेख की बात करें तो उसमें यह कहा जाता है कि उसके कई भाई बहन भी थे, इसका मतलब उसने सभी भाइयों की हत्या नहीं की थी। उसने किसकी हत्या की थी, हत्या की थी विकताशोक की और सुसीम की, ठीक है, जिसको सिंगली ग्रंथ में सुमन औतिष्य के नाम से बताया जाता है। और राज्याभिषेक कराने में उसको 4 साल लग गए, विद्रोहों को शांत करने में समय लग गया। तो करीब विधिवत तरीके से 269 ईसा पूर्व यानी बीसी में उसने क्या किया, 269 ईसा पूर्व में सुसीम की, मतलब क्या किया, विधिवत राज्याभिषेक करवाया, ठीक। अब कलिंग पर विजय, अगर हम बात करें अशोक की कलिंग विजय की, तो कहते हैं दो कारण विशेष रूप से माना जाता है। पहला तो ये कि जो विकताशोक था वो भाग करके कलिंग के शरण में चला गया था, और जब अशोक ने कलिंग से उसे वापस करने को कहा तो कलिंग ने उसे देने से मना कर दिया। बदले में अशोक ने क्या किया, उनके ऊपर आक्रमण किया, करीब वहाँ 1.5 लाख से ऊपर लोग मारे गए,
1.5 लाख से अधिक लोग बंदी बना घायल हो गए और कई लोग बंदी बना लिए गए और इस युद्ध में पुरुषों के अलावा महिलाओं ने भी भाग लिया था। ऐसी दशा में इस रक्त रंजित घटना को देख करके इसके मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो यह युद्ध करीब 261 के आसपास हुआ था और इसकी सूचना हमको 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर एक अन्य मत यह भी कहा जाता है कि वहां पर ताम्रलिप्ति बंदरगाह था और कलिंग पर यदि वो अधिकार कर लेता तो वहां के होने वाले व्यापार से मौर्य मतलब कोष में वृद्धि होती और सैन्य और प्रशासन के लिए बहुत जरूरी था। ऐसी दशा में ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर अधिकार करने के लिए उसने उसके ऊपर आक्रमण किया। अब यदि बात करें धर्मश्रेष्ठ शासक के रूप में, देखिए उसके द्वादश शिलालेख की बात करें, 12वें शिलालेख की बात करते हैं तो उसमें कहता है समवायो ही साधु, यानी धर्म समन्वय की बात करता है। साथ में यह भी करता है कि मतलब अशोक जो है समाज में समाजसा बहुका ही दोषा मतलब बहुत से दोषों को क्या कहता है पसत मैंने देखता है, यानी समाज में मगध का राजा बहुत से दोषों को देखता है। कैसे कि लोग अपने धर्म की क्या करते हैं प्रशंसा करते हैं दूसरे धर्म की निंदा करते हैं और ऐसा करते हुए न केवल अपने धर्म की हानि करते हैं बल्कि दूसरे धर्म को भी हानि पहुंचाते हैं। ऐसी दशा में यदि कोई व्यक्ति समय समय पर अपने धर्म के अलावा दूसरे के धर्म का भी क्या करे मतलब प्रशंसा करे तो इससे क्या होता है उसके धर्म की भी क्या होती है प्रशंसा होती है। ऐसे में सभी धर्मों को मिलकर के रहना चाहिए और सभी लोगों को बहुश्रुत होना चाहिए, सभी धर्म को सुनने वाला होना चाहिए। ऐसी दशा में एक धर्म श्रेष्ठ शासक के रूप में अशोक दिखाई देता है। अशोक अपने दूसरे लेख में कहता है कि हम चु धम्मे थे, धम्म क्या है तो कहता है अपाशिन में बहु कयाने दया दाने सचे सोचे, इसकी व्याख्या हम करेंगे अभी कुछ देर में। तो धम्म की परिभाषा में वो ब्राह्मणों की सेवा की बात करता है, श्रमणों की सेवा की करने की बात करता है। तो ब्राह्मण और श्रमण, श्रमण कौन से हो गए बौद्ध और जैन आजीव या जो भी नास्तिक संप्रदाय है, वो सभी के प्रति एक क्या करता है एक तरह से सहिष्णुता की नीति अपनाता है। अब क्या है वैदेशिक राष्ट्रों के साथ संबंध, अगर अशोक के वैदेशिक संबंधों के बारे में बात करें तो अशोक का वैदेशिक शासकों के साथ संबंधों की सूचना उसके त्रयोदश शिलालेख में भी शिलालेख से प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के साथ, मिस्र के शासक टॉलेमी फिलाडेल्फस के साथ, ठीक है तो ये एंटियोकस सेकेंड कहा गया है सीरिया का शासक, और तुर्मा यानी टॉलेमी फिलाडेल्फस सेकेंड जो कि मिस्र का शासक था, अंतकिनी यानी एंटीगोनस जो कि मकदूनिया का शासक था, मक यानी मगस जो कि सीरीन का था, और एपिरस के साथ शासक अलेक्सुंदर यानी अलेक्जेंडर के साथ इसके क्या थे मधुर संबंध थे और वहां पर अपने राजदूत भी इसने क्या किया था भेजा था। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम देखें श्रीलंका के शासक तिश्य के दरबार में अपने पुत्र महेंद्र और संगमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजता है। इस प्रकार से देखें तो अशोक के संबंध अलग अलग जो भी वैदेशिक राष्ट्र से उन थे उनके साथ बहुत ही अच्छा था। ठीक है, अगला क्या है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन। देखिए अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिश्य ने किया था और इसमें अभिधम्म पिटक का संगायन किया गया यानी तीसरे पिटक की रचना की गई थी। तो इस प्रकार से तीन पिटकों का संकलन जो है मौर्य काल में पूरा कर लिया गया। इस काल में बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो ये तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन
अशोक के संरक्षण में कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। तो ये आपको जान गए। अगला है धम्म नीति। धम्म पर एक अलग से मैंने वीडियो पूरा बना रखा है और लेकिन यहाँ पर मुझे शॉर्टकट में बताना है अशोक की धम्म नीति क्या थी, इसकी व्याख्या 12वें शिलालेख में होती है जिसमें वो धर्म समन्वय की बात करता है और वो कहता है कि समाज में लोग एक दूसरे के धर्म की निंदा कर रहे हैं, बल्कि होना यह चाहिए कि लोगों को एक दूसरे की प्रशंसा करनी चाहिए, इससे न केवल वो अपने धर्म को बल्कि दूसरे धर्म पे भी उपकार करेंगे और प्रत्येक धर्म के लोगों के दूसरे धर्म के बात अच्छी बातों को सुनना चाहिए। साथ ही साथ वह धर्म की परिभाषा देते हुए कहता है दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में कि हम चु धम्म में थी, धर्म क्या है, अपाशिन वे कम से कम पाप अपाप है ना, अपाशिन वे बहु कयानी बहुत से लोगों का कल्याण करना, कयानी में कल्याण करना, दया दान सचे माने पवित्रता, सचे माने सत्य, सोचे माने पवित्रता की भावना रखनी चाहिए, माधवे साधवे च मधुरता रखनी चाहिए वाणी में, और साधवों ने सज्जनता होनी चाहिए। तो करीब छह और मतलब छह विशेष रूप से है, दो अन्य माधवे साधवे को मैं जोड़ दिया हूँ, तो करीब आठ चीजों को धर्म का बात मानता है और कहता है कि निठुलीय यानी निष्ठुरता जो थे, निष्ठुरता ईर्ष्या द्वेष पाप ये सब क्या हैं, धर्म को हानि पहुंचाते हैं। यानी क्रोध निष्ठुरता ईर्ष्या द्वेष पाप करना झूठ बोलना ये सब क्या है, धर्म को हानि पहुंचाने वाली माने गए, ठीक है। और वो कहता है कि हमारे दरबार में जो दो मोर और एक पशु मारा जा रहा है हिरण, वो भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। इस प्रकार से वो धर्म के अहिंसक नीति की उद्घोषणा करता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ दूसरे शिलालेख में वो कहता है कि उसने जगह जगह पर क्या है पशु चिकित्सालय और मानव चिकित्सालय की व्यवस्था करवाई थी, जो उसके लोक कल्याणकारी कार्यों की ओर दर्शाता है। साथ ही सुदर्शन झील का निर्माण का पुनर्वाद या पुनर्निर्माण जो है उसके मंत्री तुषास के द्वारा करवाया जाता है, जिसकी सूचना रुद्रतामन की जूनागढ़ अभिलेख से होती है। इसके अतिरिक्त जगह जगह पर उसने पेड़ पौधे जल निर्माण है ना और आश्रय स्थल यानी धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था, जिससे यह पता चलता है कि वह समाज में लोक कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा दे रहा था। वही दूसरी ओर देखा जाए तो वह समारोहों की निंदा करता, कहता कि वो अल्प फल देने वाले हैं बल्कि हमें अधिक फल प्रदान करने वाले, ठीक है ना, धार्मिक कार्यों में रुचि रखना चाहिए। वो कहता है ब्राह्मणों की श्रमणों की वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने दास वृत्तियों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार से वह नैतिकता को बढ़ावा देता है। भले वह क्या है बौद्ध धर्मावलंबी था लेकिन उसकी धम्म नीति में नैतिकता का समावेश मिलता है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का समावेश मिलता है, धर्म समन्वय की बात मिलती है। तो ये धम्म नीति हो गई। अब अगला क्या, बौद्ध धर्म और उसका प्रचार प्रसार। अशोक ने बौद्ध धर्म का देश विदेश में प्रचार प्रसार किया, जैसे दूसरे और तेरहवें शिलालेख में वह देश विदेश का नाम गिनाता है जहाँ उसने अपने दूत भेजे थे, उनमें जैसे चोल पांड्य सतीपुत्र केरल पुत्र ताम्रपर्णी राज्यों में भेजे गए दूतों का उल्लेख मिलता है और पांच यवन राजाओं के नाम मिलते हैं जिनके यहाँ धर्म प्रचारक भेजे गए थे, जिसमें अंतियोकस तुर्मय अंतकिनी मक और अलेक्जेंडर का उल्लेख मिलता है। और यदि हम बात करें कुछ महावंश में धर्म प्रचारकों का उल्लेख मिलता है जो अलग अलग राज्यों में जा कर के धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, जैसे अगर उसमें बात करें रक्षित का नाम लिया जाए तो वह वनवासी में यानी कर्नाटक के क्षेत्र में, वहीं बात करें महारक्षित का तो वह यमन देश में, रक्षित वनवासी महारक्षित
यवन देश, वह से पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना। फिर महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र, महा से महाधर्म रक्षित, ठीक है ना, महाराष्ट्र में। महादेव महिष मंडल, तो महादेव कहाँ मंदिर है, कालेश्वर मंदिर महादेव का, तो वो उज्जैन में है। तो महिष मंडल भी कहाँ है, अवंती राष्ट्र में है, तो महादेव का है महिष मंडल में भेजा गया था। धर्म रक्षित को पश्चिमी भारत में यानी गुजरात के क्षेत्र में, मझंतिक को कश्मीर में और मध्यम को हिमालय प्रदेश में भेजा गया। महेंद्र संघमित्रा को श्रीलंका में भेजता है और सोन उत्तरा को वो बर्मा देश यानी सुवर्ण भूमि में प्रचार प्रसार के लिए भेजता है। अगर बात करें नए नगरों की स्थापना और नेपाल के साथ संबंध की, ठीक है, तो उसमें कहा जाता कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी जिसकी सूचना राजतरंगड़ी से होती है। कल्लड़ कहता है कि उसने कश्मीर में श्रीनगर की न केवल स्थापना किया बल्कि उसका पुत्र जालौन वहां का भावी राजा बनता है। वहीं दूसरी ओर नेपाल के साथ अगर उसके संबंधों की बात करें तो उसकी पुत्री चारुमती का विवाह नेपाल के शासक देवपाल से हुआ था और चारुमती के द्वारा वहां देवपतन नगर की स्थापना की जाती है और अशोक के द्वारा वहां पर ललित पतन नामक नगर की स्थापना की जाती है, जिससे आप हमको पता चलता है कि उसने कई नए नगरों का भी निर्माण किया था। अगर हम बात करें साम्राज्य विस्तार की तो अशोक का साम्राज्य विस्तार एक विशाल साम्राज्य को परिणत हो गया। उसके पिता और पितामहों के द्वारा जो साम्राज्य बनाया गया था, जो कि बंगाल से लेकर के ताम्रलिप्ति से लेकर के कहां पहुंच गया, पश्चिमी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हिंदुकुश पर्वत तक, और कांधार से लेकर के दक्षिणी क्षेत्र चोल राज्य यानी कावेरी नदी तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। और इसका एक पांचवा प्रांत बनता है कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली बनती है और वहां पर दो अलग से पृथक कलिंग शिलालेख उसने जारी किया था, एक था धौली और दूसरा जौगढ़, जहां पर वो कहता है सभी प्रजा मेरी संतान है, ठीक है, तो इस चीज का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य में परिणत हो गया था और कलिंग इसके साम्राज्य में अब समृद्ध हो चुका था। अब अगर बात करें शिलालेखों की, कला निर्माण की, तो अशोक के काल में बड़े पैमाने पर शिलालेख जारी किए गए। त्रयोदश शिलालेख में कहा गया कि चिरस्थाई करने के लिए, कि जो उसने धम्म नीति बनाई उसको चिरस्थाई करने के लिए उसने क्या किया था, इनका निर्माण कराया था और कहा था कि इन शिलालेखों में लिखे गए चीजों को धर्म महामात्र और रज्जु जो है समय समय पर इसका क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे, इसको लोगों को सुनाएंगे। इसके अतिरिक्त वो कहता है कि इसके अलावा बारहवें शिलालेख में धर्म महामात्र ब्रज भूमि चाराग्राहों चार जो गोपालक थे उनको उनके लिए ब्रज भूमि और स्त्रियों को समझाने के लिए स्त्री महामात्र लोगों की नियुक्तियाँ किया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त सांची बोधगया सारनाथ इत्यादि कई क्षेत्रों में उसने स्तूप बनवाए, करीब 84,000 स्तूपों के निर्माण का उसे श्रेय दिया जाता है। इसने क्या किया, कई पशु शीर्ष स्तंभों का निर्माण कराया, जैसे संकिशा का गज शीर्षक, रामपुरवा का वृषभ शीर्षक, रुमंदी का अश्व शीर्षक, ठीक है ना, सारनाथ सांची इत्यादि का जो है सिंह शीर्षक स्तंभ का निर्माण किया था, जिसमें कुछ शीर्ष सिंह स्तंभ ऐसे थे जो उसमें उकड़ू बैठे हुए जैसे वैशाली का है, रामपुरवा का है, और कुछ में क्या है चतुर्मुखी सिंह मिलते हैं जैसा कि सारनाथ में प्राप्त होता है, और आज वो भारतीय सिक्के का प्रतीक चिन्ह बना हुआ दिखाई पड़ता है राजचिन्ह के रूप में भारत का। लोक कलाओं में कई ऐसी ऐसी छड़ियों की मूर्तियां मिली हैं, ठीक है, जैसे परखम का मणिभद्र की मूर्ति, ये सभी मौर्यकालीन कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग शुभकालीन कहते हैं, ठीक है ना। तो कई लोक कल्याण लोक कला से संबंधित चीज़ों का निर्माण किया था और इस काल में मौर्य कला में NBPW जो है उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र परंपरा की जो चमकीले जो बर्तन थे वो भी मौर्यकालीन देन माने जाते हैं। अब अगर हम बात करें धर्म मृत्यु मूल्यांकन की तो अशोक बौद्ध धर्मावलंबी था, जिसकी सूचना भाब्रु बैराट अभिलेख से होती है, जिसमें कहता मगध बागदे राजा संगम अविवादितुनम, कहता कि मगध का राजा संघ का अभिवादन करता है और जैसा कि आपको पता है कि मेरी बौद्ध धर्म और संघ में कितनी निष्ठा है और मैं चाहता हूँ कि फला फला ग्रंथ यानी राहुलोवाद सूत्र है, सिंघालो सूत्र है, ठीक है ना, सूत्र पिटक का लोग क्या करें, नियमों का पालन करें,
साथ ही सांची के स्तूप में वो और सारनाथ के स्तूप में कौशाम्बी के स्तूप में कहता है कि जो कोई भी बौद्ध धर्म के नियमों का अवहेलना करेगा ऐसे भिक्षुओं को संघ से श्वेत वस्त्र पहना करके निकाल देगा। जो यह कहीं न कहीं बताता है कि बौद्ध धर्म में वह दीक्षित हो चुका था, जिसकी पुष्टि महावंश से होती है। मोगली पुत्र शिष्य ने उसको दीक्षित करवाया था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद ही उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ले रखा था, ठीक है। जिससे वजह पता चलता है कि यह बौद्ध धर्मावलंबी था, इसीलिए इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कई देशों में किया था। कहते हैं कि इसका मृत्यु बहुत अच्छी नहीं थी। अशोकावदान में ऐसा उल्लेख मिलता है कि राजकोष धीरे धीरे खत्म हो गया था। इसके पुत्र राज सिंहासन के लिए लड़ रहे थे और कहते हैं कि अब एक आंवले खा करके वो अपने जीवन का निर्वाह करता था। इस प्रकार से ऐसा लगता है कि अशोक ने करीब 271 से 232 के बीच में एक लंबे समय के बीच में 37 वर्षों तक या 43 वर्षों तक शासन किया, लेकिन उसके अंतिम दिन बहुत अच्छे नहीं रहे। लेकिन उसकी धम्म नीति संसार के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करती है और अपने धम्म नीति को लेकर के, लोक कल्याणकारी कार्यों को लेकर के, सुदर्शन झील के निर्माण को लेकर के, धर्म समन्वय के दृष्टि को लेकर के अशोक एक महानतम शासक के रूप में सदैव स्मरणीय रहेगा। धन्यवाद।